और बहुत ही सटीक तरीके से किया गया सर्वे है। और इसमें जो तस्वीर नजर आ रही है वो तीसरी बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, जिनकी अगुवाई में ये पूरा चुनाव एनडीए घटक दलों ने लड़ा था। जब नामांकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उस वक्त वो तस्वीर हमने देखी, जब ये पूरा एनडीए घटक दल मौजूद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके नामांकन के लिए। और आज जो स्थिति है 4 तारीख को, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह परीक्षा हमारी भी है कि कितना सटीक ये अनुमान रहा और कितने सटीक ये आंकड़े रहे। इस पर न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल कितना खरा उतर रहा है। 4 तारीख को स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि अब तक एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से एनडीए सत्ता में लौट रही है। 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर फोकस बात करें तो यहां 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में 26 से 29 सीटें। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आंकड़े हैं, कितने सटीक कितने स्पष्ट रह सकते हैं, 4 तारीख को ये और स्पष्ट हो जाएगा। और 2 से 3 दिन का समय और इंतजार करना होगा। और यकीन मानिए कि जितनी एक्साइटमेंट आपको है इस रिजल्ट को जानने में, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट इस वक्त उन कैंडिडेट्स को होगी। कहीं ना कहीं मन में एक विचार, एक प्रश्न जरूर होगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आगे। डिटेल्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी सरकार हैट्रिक लगाती दिखाई दे रही है, 2019 के मुकाबले सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की, और बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं, और ऐसे में मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इस बार का दिलचस्प चुनाव और उतना ही दिलचस्प ये महा एग्जिट पोल, जिसमें इस मेगा एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और 370 के आसपास सीटें यहां पर एनडीए को मिल रही है। आपको बता दें कुछ और टैली, कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या कह रहा है महा एग्जिट पोल और क्या है स्थिति यहां पर राज्यवार। फिलहाल जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं वो है एनडीए का 355 से 370 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी इंडिया अलायंस में, ऐसी इस महा एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि अन्य की यदि बात करें तो 42 से 52 के बीच ये आंकड़ा रह सकता है, और ये है मेगा एग्जिट पोल का अब तक का आंकड़ा। 543 सीट्स में से ये सीट्स दिखाई दे रही हैं एनडीए इंडिया और अदर्स के पास, कितनी सीटें जा रही है और कौन कितनी सीटों के दरमियान रह सकता है, ये मेगा एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे स्पष्ट है कि एक बार फिर से यहां केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी, और ये हैट्रिक होगी नरेंद्र मोदी सरकार की। तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी सरकार बनती यहां पर दिखाई दे रही है। इस महा एग्जिट पोल ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। बहरहाल अभी जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो 4 तारीख तक आने का इंतजार करना होगा। ...2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA को 295 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते जब दर्शकों ने टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल देखा
तो खड़गे के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। बीजेपी अब की बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब में जो आंकड़े आपको दिखाएंगे, उसके पहले बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पोल हब का एग्जिट पोल किन आंकड़ों पर आधारित है। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह सातों चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल बता रहे हैं कि एनडीए की राह निष्कंटक है। जहां दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बंपर जीत हासिल करने वाली है। हालांकि असली नतीजों के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इनमें बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटें आ सकती है। यूपी में कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को 9 से 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है। बिहार में जहां नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए लड़ा, वहीं एनडीए की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है। हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 बार से बंपर जीत हासिल कर रही है, उसका एग्जिट पोल देखें तो अब की बार एमपी में एनडीए फिर से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 26 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और अब लोकसभा में भी बीजेपी वही जीत रिपीट कर रही है। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की क्या है तस्वीर, ये भी दिखाते हैं आपको। बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट किसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की तस्वीर, 29 सीटों के मेगा एग्जिट पोल में आंकड़े किसके समर्थन में, साफ जाहिर है 26 से 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इस अनुमान में कांग्रेस पार्टी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तो 29 की सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि इंडिया अलायंस की 29 सीटों पर तो नहीं है। और वोटों के प्रतिशत की यदि बात करें तो बीजेपी को 59% वोट और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत 32 रहने का अनुमान है इस सर्वे के अनुसार, जिसमें अन्य 9% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। और 3 प्रमुख बिंदुओं जिसमें कि एनडीए, इंडिया अलायंस और अन्य, ये 3 प्रमुख बिंदुओं में लगभग 59 यानी एक कम लगभग 60% जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 32% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है। तो 9% वोटों के साथ अन्य तीसरे स्थान पर रह सकता है। तो पूरे देश की स्थिति हमने आपको दिखाई और उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वोटों का परसेंटेज है, अच्छा खासा परसेंटेज बीजेपी को यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश से 26 से 29 सीटें यहां बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मेगा एग्जिट पोल के उन आंकड़ों की जिसमें आंकड़ों से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह से
विधानसभा का चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बीजेपी के नेताओं का यह कहना था कि इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो इस दौरान किए गए सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए यहां पर 26 सीटों से लेकर 29 सीटों तक जीत सकती है, जबकि इंडिया अलायंस का जो यहां पर चुनाव हुआ है जिसमें 0 से 3 सीटें मिलने की संभावना यहां पर जताई जा रही है और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं है। मध्य प्रदेश के इस एग्जिट पोल के बाद जो रिएक्शन सामने आए बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश में, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जबरदस्त बहुमत दिख रहा है बीजेपी सरकार एनडीए को। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं था, ये जनता के दिल की आवाज थी, ये भारत की जनता का संकल्प था तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जनता का विश्वास है, श्रद्धा है, उनमें भक्ति है, इसलिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं, इस बार जी भर के वोट दिए हैं, इसलिए हम 400 पार जा रहे हैं। आप 400 पार जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस 100 के अंदर सिमटती दिख रही है। मुझे लगता है कि 100 के अंदर नहीं, 100 के बहुत अंदर सिमटेगी और इस चुनाव के बाद अप्रासंगिक ही हो जाएगी। इस बार एमपी की बात करें तो 29 की 29 सीटें बताई गई, इस बार लग रहा नकुल नाथ भी हारने वाले हैं। 29 की 29 भाजपा जीत रही है छिंदवाड़ा सहित और भारी अंतर से। इस बार काफी कुछ रहा ध्यान लगाया पीएम ने, उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीति की, लेकिन अब तो एग्जिट पोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है। विपक्ष तो घटिया आरोप लगाना, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले काम करता रहा है, जनता इसको पसंद नहीं करती है, चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिवराज जी को भी अब वो दिल्ली ले आ रहे हैं, अब क्या होगी नई भूमिका? सांसद की तो होगी और सांसद के रूप में मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। हम पार्टी जो काम देती है उसको पूरी गंभीरता से करते हैं क्योंकि वही हमारी जिंदगी का मिशन है। देखिए, ये एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बताया कि हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना और मिशन है हमारा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेन चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव मेरे साथ है। सर, क्या लगता है कि किन वजह क्या है जो नारा दिया था वही धरातल पे नजर आ रहा है? देखियो, हम गत 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से देश भर में एक मजबूत सरकार दिया, निर्णयात्मक नेतृत्व वाली सरकार दिया है, वो सब के रहते हुए हमारा विश्वास है कि जो 7 चरणों के जो मतदान हुआ है, हम पक्के तौर पर पूरे देश में एक मजबूत और जिस प्रकार से हमने सोचा है उस प्रकार की सरकार हमारे जनादेश मिलेगा और पिछली बार से भी अच्छा सरकार हम बनाएंगे। तो इसका मतलब इंतजार करेंगे अभी आप 4 तारीख का? नहीं, इंतजार का मुद्दा नहीं है कि 4 तारीख को हम जो सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार के हमने जो आशा व्यक्त की है, जो विश्वास व्यक्त किया है, उस प्रकार के उसके अनुरूप जनादेश बिल्कुल मिलेगा। दक्षिण से आप हैं तो वहां पर भी काफी फोकस किया गया, तो यहाँ तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण की क्या स्थिति है सर? नहीं, हमारा विश्वास है कि लगातार हम जो बढ़ रहे हैं दक्षिण में सीटों में भी अच्छा प्रगति हम करेंगे, उससे भी ज्यादा वोट शेयर भी हमारा बढ़ेगा और पक्का आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अपने जो
पार्टी के पाइट है और मजबूत करेगा। तो मुरलीधर राव साहब कह रहे हैं कि हम दक्षिण में भी और ज्यादा मजबूत होंगे, अब बाकी 4 तारीख का इंतजार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। पहले पूरे देश में, फिर मध्य प्रदेश में, और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल ने कितनी सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को और कितनी कांग्रेस को, दिखाते हैं आपको छत्तीसगढ़ की कहानी क्या कहती है। मेगा एग्जिट पोल की जुबानी आपको बता दें, बीजेपी को यहां पर 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 11 सीटों पर हुए छत्तीसगढ़ के इस सर्वे को हम आपको दिखा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को यहां पर इस बार 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो लगभग वही 2019 का इतिहास अपने आप को फिर दोहरा सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल में, जहां 11 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग में 9 से 11 सीटें लगभग बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 0 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। और वोटों के प्रतिशत की यदि बात करें तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 52% वोट यहां पर मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत ही नजदीक 43% वोट हासिल कर सकती है, अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आंकड़ों के माध्यम से ये स्थिति स्पष्ट हो रही है, लेकिन एकदम साफ तस्वीर जो है वो आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगी सुबह 6 बजे से लगातार। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो आंकड़े ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर एनडीए कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में ला रहा है। एनडीए को 9 से 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यहां पर 0 से 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। 11 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान किया है, और मेगा एग्जिट पोल का ये वो आंकड़ा है जो चुनाव के दौरान लिया गया, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो 9 से 11 सीटें लगभग वही 2019 का एक बार फिर से इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का चुनाव हुआ, प्रदेश में जिस तरह का चुनाव हुआ, और उसके बाद देश में जो माहौल बना हुआ, इस पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के रिएक्शंस आपको दिखाते हैं। 11 सीटों पर कौन कितनी जीत का दावा कर रहा है, क्या कह रहे हैं बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, आइए दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं। और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है, और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-390 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, 370 हमारे हृदय का विषय था, और हम ये चाहते थे कि, सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आए। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद है अरुण साव जी। 400 सीट पार का लक्ष्य आप लोगों ने रखा था, क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या मानते हैं आप? एग्जिट पोल का नतीजा हमारे अनुमानों के नजदीक पहुंचा है, पर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो हमारा अनुमान है एनडीए 400 पार होने वाला है, और 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी, वोट परसेंटेज का जो अनुमान आप लोगों ने रखा था, क्या लगता है वो परिणाम के अनुरूप बढ़ पाएगा? देखिए, जब परिणाम आएगा तब वो बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आज के एग्जिट पोल के नतीजों से कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं 9 से 11 एग्जिट पोल बता रहे, क्या लग रहा है क्लीन स्वीप होगा या फिर? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होने वाला है, 11 की 11 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस का तो 15 से अधिक राज्यों में खाता नहीं खुलने वाला है, छत्तीसगढ़ सहित शून्य में आउट होने वाली है कांग्रेस पार्टी। जी, ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव जिनका कहना है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, जो भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो पूरा होने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। मुझे ये बोलते हुए कि जिस बात को लगातार हम लोग बोलते रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नतीजों के बारे में, मोदी जी के गारंटी के बारे में, आज वो प्राथमिक दृष्टि से एग्जिट पोल में 100% खरा उतर रहा है। दक्षिण में जिस धमाकेदार बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम ये सभी क्षेत्रों में ये कंटिन्यूअस बढ़त रहेगी। आज ठीक है कि एग्जिट पोल है 4 तारीख के नतीजे में, मगर निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है जिसमें गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बढ़त दिखाई दे रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पिछड़ रहे हैं यादवेंद्र यादव। छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू से टक्कर जबरदस्त है। जबकि बात करें विदिशा की तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की जीत तय मानी जा रही है। छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर है और गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ रहे हैं। यहां दिखाई दे रहे हैं मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े और ये कुछ विशेष सीटों पर जो विशेष सर्वे कराए गए उसमें साफ जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान यहां विदिशा की सीट जीत रहे हैं। और साथ ही साथ यदि बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो गुना सीट वो निकालने में कामयाब रह सकते हैं क्योंकि उनमें बढ़त दिखाई दे रही है यहां पर अब तक। जबकि कुछ और सीटों की हम तस्वीरें इस मेगा एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं आपको। वायनाड में राहुल गांधी को बढ़त दिखाई दे रही है और इसके अलावा कुछ और सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू और नकुल नाथ के बीच कांटे की टक्कर है और ये टक्कर में कौन जीतेगा ये भी देखना अहम होगा। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से जीत सकती हैं सोमनाथ भारती के खिलाफ। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चुनाव से जुड़ी और भी